रघु रमैया तो हमारे हैंगआउट ग्रुप को छोड़ के जा रहा है, नोटिस किया क्या? हाँ नोटिस किया, जब इनके घर पे फेयरवेल चल रही है भला ये हमारे साथ क्या करेंगे चिन्ना? सही कह रहा है नायडू। कौन है ये? आपके दोस्त हैं? ये मेरे अकेलेपन के अल्टरनेटिव हैं। बहुत अमीर है, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन फिर भी गरीब, क्योंकि बात करने वाला घर में कोई नहीं। लेकिन अब मैं इनके जैसा नहीं, अब मैं करोड़पति हूँ। मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, कुबेर का खजाना है मेरे पास। क्या तुझे पता है मैं मौत को छू कर किसकी वजह से वापस आया हूँ? मेरे बच्चों की वजह से। जब तक तुम लोग मेरा इंतजार करते रहोगे मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे मेरी आत्मा तुम लोगों के साथ रहना चाहती है, तो फिर ये शरीर कैसे मर सकता है? मेरी जिंदगी तुम लोगों की है, जब तक तुम मेरे साथ हो मौत मुझे छू भी नहीं सकती। अब आगे जो मैं करने वाला हूं उसे देखकर तू खुश हो जाएगा। जब मैं इनका हेल्दी बिहेवियर देखता हूं तो ऐसे लगता है कि मैं बीमारी से मरने वाला हूं। चल हट जा। जब मैं इनको हंसते हुए देखता हूं तो इनकी एनर्जी लेवल को देखकर लगता है कि ये 5 वीक्स की डेडलाइन पूरी करके 3 वीक्स का एक्सटेंशन तो ले ही लेंगे, नो डाउट। आप करना क्या चाहते हो भैया? मैंने तो 2 वीक्स इनके मरने से पहले और 2 वीक्स इनके जाने के बाद के प्लान किए थे, और लास्ट के पूरे 4 वीक्स मैंने इनके आखिरी दिनों के लिए बचाए थे। ये तो सडनली ठीक ही होते जा रहे हैं। आई कैन सिट अराउंड हियर एंड बी अ डोल ब्लजर, राइट? अरे तो जाओ जाओ जाओ। आप ही बताओ, बच्चों का स्कूल है, इनका ऑफिस है, वो सब छोड़ के हम यहाँ कैसे बैठे रह सकते हैं? ये क्या कह रही हो, ऑफिस से तो छुट्टी लिया ना। भाई साहब, हम लोग यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं तो अपनी मर्जी से चले भी जाएंगे। सबको बहुत से काम है, मेरे हिसाब से तो हम ही आप सबसे ज्यादा बिजी हैं। That's a good idea. तो तुम ही पापा से पूछ लो। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि एक हफ्ता वो हमारे साथ कैसे बिताना चाहते हैं। Let's move it. अंकल, ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं? प्यार से बताइए, उन्हें समझाइए, फिर यहाँ से जाइए ना। वो मरीज है, सही वक्त देखकर बात करें। अरे सुनो, सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, रामकृष्ण के फार्म पर जाना है। और क्या चाहिए, इन्होंने तो खुद ही जगह और सही वक्त बता दिया, हमें तो सही वक्त पर धमाका करना है बस। ढूंढूंगा। मूव इट मूव इट मूव इट मूव इट। हां तो बिल्कुल ठीक कह रही है। चीटिंग। तो दादाजी से कौन बात करेगा? कौन बात करेगा मतलब, भैया ही बात करेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। भाई साहब ही ससुर जी को समझा सकते हैं, पापा अब आप ठीक हो रहे हैं तो हम जा सकते हैं, और फिर हम अपने घर आराम से जा सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा प्लान बनाया है। अंकल को बकरा बना रहे हो तुम लोग? बकरा कैसे? आप भी बड़े भोले हो, ये लोग सब मिलकर आपको दादाजी के सामने भेज रहे हैं ताकि सिर्फ आप बुरे बनो और वो आपके परिवार को यहाँ से भेज दें, और ये सब मिलने वाले रिटर्न गिफ्ट का बड़ा हिस्सा अकेले हड़प जाए। रिटर्न गिफ्ट? क्या और कब देने वाले हैं? वाह, नाटक देखा जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। बेटा हम समझे, इसे कुछ बता। समझाता हूँ, सबको हिस्सा देने के बाद बचे हुए पैसों से उन्होंने फार्म खरीदा जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए। अब आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो जा सकते। ये 100 करोड़ का है? I knew it. भैया ये मैंने आपसे हॉस्पिटल में कहा था ना। फिर उन्होंने इसे रामकृष्ण का क्यों बताया? रामकृष्ण इसे खरीदने वाला है क्योंकि आप सब अपने काम धंधे छोड़ के इतने दिन के लिए आए हो, तो वो चाहता है कि आपको खाली हाथ ना लौटाएं, इसलिए वो इसे बेचकर आप सबको बैग भर भर के रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं। अब बैग में क्या होगा ये आप सोच लीजिए। खैर मुझे लगा था आप सब यहाँ रुक के उन्हें इम्प्रेस करके अपने बैग का साइज बढ़ा कर जाओगे, पर आप सब तो खाली हाथ जाने को बेताब हो। जाओ जाओ जिसे जाना है। अच्छा है जितने कम लोग होंगे बैग उतना ही ज्यादा बड़ा मिलेगा। कल क्यों, आज ही जाओ आज ही जाओ आज ही जाओ। नो 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 नो। क्यों भाई, तुम लोग कह रहे थे कुछ बात करनी थी? कुछ नहीं पापा, what I am trying to actually say that... अरे रुको भैया, मैं बताती हूँ। कुछ नहीं पापा, भैया कह रहे थे कि उनके ऑफिस में कुछ जरूरी काम है तो उन्हें जाना है। सिर्फ मैं, बाकी कोई नहीं? हम सब तो यहाँ है ना, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, आपको किसी की कमी नहीं खलेगी। जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए, मत रोकिए उन्हें। भैया, अरे ये बज रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? नेक्स्ट नेक्स्ट। आपका सबसे क्या मतलब है? अच्छा बताइए तो हम कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, सारा काम खराब कर देंगे।
आपको पता है जब मैं आपके पास होती हूँ तो लगता है मैं अपने पापा के साथ हूँ। यस सर, ये तो अवार्ड विनिंग एक्टिंग है। भला कोई अपने पापा को ऐसे हाल में छोड़कर जाता है क्या, वो भी आखिरी दिनों में। तो जब तक ससुर जी बोर नहीं हो जाते हम यहीं रहकर इन्हें नारियल पानी पिलाएंगे। लाइए ना जी। ये लो। लीजिए ससुर जी, मेरा मतलब है पीजिए पापा। नारियल पानी बढ़िया पापा को पिलाने वाली। अपने आप हाथ से फिसल गए बॉल, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। पापा मैं... अरे मैं अच्छी तरह समझता हूँ, ना तो मैंने जबरदस्ती बुलाया है और ना ही तुझे जाने से रोकूंगा। ये सब लोग है ना यहाँ, तुझे इन सब में महसूस कर लूंगा। जा जा, जा चलिए पापा। क्यों, तेरी टिकट बुक हो चुकी है ना, अब परमिशन भी मिल गई, निकल लो। डैडी अगर अब हमने टिकट कैंसिल किया तो 60% चला जाएगा, और अगर नहीं रुके तो 100% चला जाएगा। लेकिन आपने तो कहा था कि यहाँ 4 वीक्स ही रुकेंगे, नहीं क्या? Don't act like a fool. मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर क्या करूँगा जब मुझे फ्यूचर यहाँ दिख रहा है? अब चाहे कितने भी वीक्स लग जाएं, लेकिन रिटर्न गिफ्ट लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। अरे तेरे अंकल को देखकर लगता है कि वो बहुत नर्वस होते हैं। ए यॉल, आज जिस तरह से मेरी पापा के सामने बेइज्जती हुई है, कल से हम उन्हें इतना इंप्रेस कर देंगे कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हमारा बैग बाकियों से 1 किलो ज्यादा भारी होगा। वॉच इट। Impression game starts. Papa. Surprise क्या है? बताओ ना जल्दी से। पता चल जाएगा तो surprise कैसे होगा? देखते हैं ना, शायद अंकल इन्हें गिफ्ट देने वाले हैं। तुम्हें भी साथ बुलाया है ताकि तुम भी ऐसा ही कोई गिफ्ट अपने दादाजी को दो। अरे तू इतना सिंपल क्यों बना रहा है? तुझे लगता है ये सब इतना सिंपल है? ये एक ऐसा गिफ्ट है जो दुनिया में किसी के पापा को उनके मरने से पहले नहीं मिला होगा। ओह, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। वाह, क्या इनोवेटिव आईडिया है। टुक टुक वीडियो बनाऊं मैं इसका, मजा आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, कहीं यहाँ इनके लिए पहले से ही समाधि तो नहीं बना दूं। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। ये क्या है? ये आपकी समाधि है पापा। इट्स योर ग्रेव। मैंने इसे बनाया ताकि आप माँ के बगल में सो के चिर शांति लें, शाम में दोनों आपस में बातें करें और वक्त का पता ही ना चले। मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद आप माँ के साथ हमेशा आनंद में रहें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। हाउस माय विजन पापा। अरे बहुत बढ़िया, जानता हूँ सोच कर रहे हो, वो बकवास कर रहा है, तुम कुछ बोलोगे नहीं। अंकल ये सब क्या है, जीते जी किसी की समाधि बनाते हैं क्या? तो क्या हुआ, इनके मरने के बाद हम इनके लिए कुछ अपनी मर्जी से बनाएं, उसे अच्छा क्या अभी दिखा दें, ताकि जब ये वहाँ जाएं अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहें और खेत खलिहान की बातें करें, हरियाली की बातें करें, इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब क्या सोच रहे पापा, आपको डिजाइन अच्छा नहीं लगा? मुझे बता दीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो वी हैव अदर ऑप्शंस टू। समाधि के लिए भी ऑप्शंस होते हैं क्या? मिस्टर आरपी, ब्रिंग इट ऑन मैन, ब्रिंग इट ऑन। अंकल ये समाधि नहीं लग रही, बच्चों के खेलने का स्लाइड लग रहा है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। माँ और पापा, माँ और पापा का खेल, माँ और पापा स्लाइड करते हुए खेलेंगे। ओ, लगता है आपको पसंद नहीं आया। अब मैं आपको एक यूनिवर्सल ऑप्शन दिखाऊंगा जो सबको पसंद आएगा। आरपी, ये तो समाधि जैसा लगता नहीं, कोई फिल्मी अवार्ड है। एग्जैक्टली माय पॉइंट अगेन। अरे एंजल आर्ना, अगर तुम्हें इस लोकेशन प्रिपरेशन या डेकोरेशन से इंस्पिरेशन मिल रही है तो टुक टुक वीडियो बनाओ, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। जस्ट अ सेकंड पापा, एक मिनट, मैं आपकी समाधि के लिए शिला फलक भी लाया हूँ। रेडी, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान कभी नहीं देखा। स्वर्गीय रघु रमैया जी, जन्म 10/1/1942, मृत्यु तारीख के लिए अभी वेटिंग, लेकिन महीना और साल कंफर्म है। क्योंकि आप भाषाओं को लेकर बहुत सजग रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो, तो एक बार खुद ही पढ़ लेना, देखिए ना कोई गलती तो नहीं। महान है आप, जो अपनी ही शीला की प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, अद्भुत। लगता ही नहीं कि 2020 है, 2050 लग रहा है। मैं हमेशा 100 साल आगे की सोचता हूँ, इट्स माय विजन। पापा आपको अच्छा लगा ना, आप खुश हो, बोलिए ना पापा। बहुत खुश हूँ। तुम चाहते हो कि मैं और तुम्हारी माँ साथ साथ रहें, लेकिन जब खुद की समाधि देखने को कहा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। आई अंडरस्टैंड। मेरे मरने के बाद जैसा चाहो कर लेना। दादाजी इनकी बात का बुरा मत मानना, ये तो बस यूं ही कह रहे थे। ये कोई बात हुई क्या, इस तरह किसी को इम्प्रेस किया जाता है क्या कभी? छी। अगर तेरी केटरिंग वाली चाची को पता चल गया कि वो समाधि से तेरे दादा को इम्प्रेस करने में लगे हैं तो क्या होगा? पापा ये देखो, पापा देखो ना पापा,
ये क्या है बेटा? इस लिस्ट में वेज नॉन वेज मिलाकर 108 किस्म के खाने हैं। इन्हें देखकर बताइए ना। अरे अभी खाने की बातें क्यों कर रहे हो भाई? अभी के लिए नहीं भैया, इनके मरने के बाद इनकी 13वीं के लिए। अरे इसने तो हद ही पार कर दी है ना। है? ये समाधि के सैंपल ले आया और तुझे 13वीं के मेन्यू की पड़ी है। ऐसे लग रहा है कि ये बॉल अभी इधर उधर घूम के मेरे मुंह से बाहर निकलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया वालों को ये आइडिया आता है क्या? मेरी बीबी भी बहुत आइडियल है। तो इसका दिमाग है। क्या हुआ, आप लोग इतने शौक क्यों हो? रुको और भी है, अभी बताता हूँ। पापा मेरे साथ चलिए। आइए 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 आइए। ये बस उनको समाधि तक ले जाएगी। पूरा सजाया भी है उसको। देखो पापा, आपका छोटा बेटा शान से आपको समाधि तक ले जाएगा। सबसे बड़ी फूलमाला, जरा सोचो इसे पहनकर जब आप गाड़ी में लेटकर शहर का चक्कर लगाएंगे मजा आ जाएगा। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे, मैंने गद्दे भी लगवाए हैं ताकि लेटने में आपकी पीठ पे लोहा न चुभे। स्पीड ब्रेकर आ भी गया तो आपकी बॉडी नहीं हिलेगी, आपकी अंतिम यात्रा आराम से हो जाएगी। ए, उनको पूरा शहर में घुमाना कोई फंक्शन नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा आइडिया, कोई बुराई नहीं। पापा को भी ये पता चल जाएगा कि लेटने के बाद वो कैसे लगेंगे, क्योंकि तब तो देख नहीं पाएंगे। पापा एक चक्कर लगाते ना पापा, चलो ना पापा। हे बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर तेरी बीवी ने तुझे ये सब करने के लिए उकसाया है तो थोड़ी देर में वो भी आकर कुछ करेगी। ये क्या है दिखा? कुछ नहीं। मैंने देखा है, तूने छुपाया कुछ? नहीं कुछ नहीं है। दिखा दिखा दिखा। सच कह रही हूँ, कुछ नहीं है। दिखाओ मुझे, कुकटपल्ली की कैटरिंग लेडी दिखाओ। हे मेरे भगवान, ये तो पवित्र गंगा जल ले आई है। गोविंदा गोविंदा। लाओ मुझे दो भाई साहब, मरने के वक्त पीने से अच्छा है अभी टेस्ट कर ले। अगर उन्हें टेस्ट पसंद नहीं आया तो उनके हिसाब से हम मिक्स बना लेंगे। तुम क्यों मुंह खोल के मुझे देख रहे हो? तुम्हें भी पीना है ये। हे भगवान, मेरे मुंह में क्यों डाल रही हो? जब कोई मर जाता है तब उसके मुंह में डालते हैं। अनाड़ी औरत। हे भगवान, ये मुझे देखा नहीं जाता। आजाओ आजाओ। क्यों पापा, आपको ये अच्छा नहीं लगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी इस मासूमियत पर मैं हंसूं या रोऊं। जा पहले ये सब हटा कर। हे भगवान। अच्छा मैं चलता हूँ। दामा जी मैं निकलता हूँ। भाई साहब सुनिए ना, आपको घर की तरफ जाना है ना, बस भी वहीं जा रही है, बैठ जाओ। इस गाड़ी में क्या? कुछ नहीं, मैं रिक्शे में चला जाऊंगा। अरे चलता सुनो तो, अरे इनको ड्रॉप कर दो। पापा मुझे लगा आप सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाओगे, इसलिए मैंने सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाया है। आप यहाँ अकेले बैठकर खा रहे हैं, आप चलिए। और वैसे भी पापा, हम सब आप ही के लिए तो आए हैं, और आपको यहाँ अकेले बैठकर खुशी मिलेगी क्या? आप पहले चलिए। पापा खाइए। ये सब क्या है बेटा, अगर इतना सारा खा लिया तो? अरे डॉक्टर ने आपको कुछ भी खाने से मना नहीं किया, आप खाइए ना। खाइए पापा। हाँ, खिलाओ ने, और जितना जल्दी हो सके मार दो। उसके बाद बहुत सारे काम भी तो करने, बच्चों का स्कूल, पति की नौकरी। देखा पापा, मैं तो आपको प्यार से खिलाना चाहती थी, और भैया कैसी बातें कर रहे हैं। माता सावित्री, अच्छा है कि आप जिंदा नहीं हो, नहीं तो मेरी बहन ने आपको भी खाना खाने के कॉम्पिटिशन में लिया होता। देखो ना पापा। चुप कर, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। देखो मैं खा रहा हूँ, मेरी बेटी कितनी प्यारी है। और आपकी बहू नगीना, बेशकीमती हीरा जैसे मालपुआ। इसे क्या हुआ? अरे तो ये थाली लो और टेबल के नीचे बैठ के दोनों खा लेना, एक दूसरे को खिला देना। अरे कुछ तो शर्म करो, सिचुएशन क्या है? और तुम तो सवेरे से ही लगे हो, यहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं और तुम एक दूसरे को टांग मार के बस इशारे कर रहे हो। यहाँ घर के सारे बुजुर्ग बड़े बैठे हैं और तुम नीचे ये कौन सी हरकतें कर रहे हो बताओ? भाई साहब, इन लोगों का अभी तक हनीमून नहीं हुआ है ना। अरे अरे, तो फिर इन दोनों को टेबल के नीचे ऐसे ऐसे जाना चाहिए था।
अरे इसने तो वो सजी हुई शव वाहिनी का भी फायदा उठाया है। ये समझता है क्या खुद को? इसको बताना चाहता है कि ये खुद पहलवान की तरह है करके, या हम सबको बताना चाहता है कि इसके अंदर कितना स्टैमिना है? समझ में नहीं आ रहा है। पापा आपके हाथों से स्क्वीज बॉल छूट गया इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हो। ये लीजिए स्क्वीज कीजिए कीजिए। अरे खाना खाते वक्त इस बॉल को लेके क्या करूं मैं? लगता है तुम सबको दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो ये भी आ गया। अमेरिका से मेरी गर्दन दबाएगा, वो भी अंग्रेजी में। चल रास्ता दे। इस बॉल की जगह उसकी गर्दन होती तो वो भी मरोड़ देता। हेलो हाउ आर यू सर? आप इतना नाटक क्यों कर रहे हैं? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मेरा बाप जिंदा है और मेरे बेटे ने सगाई भी कर ली है? सर मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। सर आप छुपा क्यों रहे हैं? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। आप अपने पिता की मौत का गम दबा क्यों रहे हैं और मुझसे इतनी एनर्जी और हंसी के साथ बात कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? सही है सर। सर आप अपने पापा को खोने का गम संभाल नहीं पा रहे। आई कैन अंडरस्टैंड। पहले चैन से खाना तो खा लो। चुप रहो, मैं फोन कर रहा हूं। बोलो उसको पटक के मारूंगा मैं। हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बात करने दो। अरे बाद में बात कर लेना, आ जा। ये कौन है? आजा। किसकी आवाज थी? हाँ सर वो तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। तुम्हें अपने पापा की कमी खल रही है तो तुमने अपने अंकल को साथ रखा हुआ है क्योंकि वो तुम्हारे पापा जैसे हैं। Am I right? Oh, what a guess, sir. You're a genius, sir. Genius. You are simply great, sir. God bless you, sir. सर मेरी बेटी आपके बेटे से बात करना चाहती है। लड़की तो उसके पास में बैठी है सर। I mean, what? No, sir. क्या है कि घर में सारे लोग डिप्रेस्ड है ना सर, उसमें मेरा बेटा भी है सर। सर मैं क्या थोड़ी देर बाद में आपको फोन करूं सर, घर में थोड़ा प्रॉब्लम है ना। इसने फोन क्यों काट दिया? सुनिए जी, अजीब आदमी। अगर उनका साथ देना चाहते हैं तो जाके उनके दुख में शामिल हो जाइए, लेकिन बेटी बात करना चाहती है ये बात उन्हें बोल के उन्हें बुरा महसूस मत कराइए। और जब हम ये रिश्ता जोड़ रहे हैं तो हमें उनके दुख में शामिल होना चाहिए, न कि बढ़ाना चाहिए। I will just call him up. उनके घर में मौत हुई है तो बता क्यों रहे कि हमारे? सीधे चलते हैं ना? All right. Love you, Dad.